नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं नवीन शर्मा। तस्वीरें आपने देख ली, वीडियो आपने देख ली। आपको बता दें जो तस्वीरें अभी आपने अपने मोबाइल पे देखी हैं, ये जम्मू परिवर्तन की खबर का असर है। आपको बताते चलें कि पिछले तीन दिन पहले जम्मू परिवर्तन द्वारा उधमपुर में जखैनी चौक पर स्थित एक लॉरी अड्डा काउंटर को लेकर आपको एक वीडियो दिखाया था, जिसमें लॉरी अड्डा वसूलने को लेकर अधिक पैसे वसूले जा रहे थे और यात्रियों के साथ साथ ड्राइवरों के साथ गाली गलौज व मारपीट की जा रही थी। हमने आपको दिखाया था कि जहां जो पर्ची काटी जा रही थी वो अधिक थी, उसकी पैसे अधिक काटे गए थे। जब इसका विरोध ड्राइवर करते हैं तो लॉरी अड्डा वसूलने वाले लोग उनसे मारपीट करते हैं और उनसे गाली गलौज करते हैं। उसी को लेकर जनता जागरूक हुई। आज फिर उधमपुर के उसी चुंगी पर लॉरी अड्डा काउंटर पर आज स्थानीय लोगों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि यही वादा फिर कल से दोहराई गई। इस लॉरी अड्डी चुंगी पर जो लोग पैसा वसूलते हैं उनके तरफ से फिर द्वारा लोगों के साथ बदतमीजी की गई। इसको लेकर लोग जो जागरूक हुए और लोगों का आक्रोश बढ़ गया। जम्मू परिवर्तन की खबर का असर है कि लोग फिर से जागरूक हुए और लोगों द्वारा एकजुट होकर अब इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है कि जहां से इस काउंटर को जहां से हटाया जाए। कुछ स्थानीय लोग जहां पे मौजूद हैं जिनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, आखिर क्या डिमांड है लोगों की और क्या मांगे ये चाहते हैं इनसे जानते हैं। जी अपना नाम बताओ, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है, क्या डिमांड है आप लोगों की? जी मेरा नाम विश्वजीत सिंह है और हम वार्ड नंबर 1 जखैनी रहने वाले हैं। जैसे कि पिछले 10-15 दिनों से ये चुंगी जो है ये यहाँ पे लगाई गई थी, बट जब ये चुंगी लगाई गई हमारे कुछ युवा साथियों ने आके यहाँ पे बोला कि ये चुंगी नहीं लगी या कुछ भी बोला। उसके बाद दिन ब दिन ये चुंगी पर्चियां काटने लगी। इनकी पर्ची जो कटती थी इनको ये नहीं पता था कि जो टैक्सी है उसकी पर्ची 50 रुपए है, जो बड़ी गाड़ी है उसका पता नहीं कितने रुपए है। पिछले दिनों जो मैं शुक्रिया करूंगा जम्मू परिवर्तन का कि जो जिसने ये अपनी वीडियो बनाकर ये लोगों को दिखाया कि इस चुंगी में क्या हो रहा है। और साथ ही साथ मैं जो एक दो बातें हैं वो बताऊं कि हमारी जो बहनें हैं जो माएं हैं वो जहां से गुजरती हैं, क्योंकि साथ में ही मोहल्ला है पूरा, और उनको ये कहा जाता है चुंगी में कि ये इनकी भी पर्ची काटो, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो रास्ते में इन्होंने रस्सी लगाई है, हमारे जो दो भाई हैं वो यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं इस रस्सी की वजह से, क्योंकि जब वो निकलते हैं ऊपर से आते हैं तो ये रस्सी उठाते हैं तो वहां से एक्सीडेंट का एक दो केस यहाँ पे हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कौन सी वो चुंगी है जहां पे 10-15 लड़के बैठे होते हैं। यहाँ पे हमेशा आप हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं शाम की रात की कि यहाँ पे 10-15 लड़के बैठे हुए हैं, क्या पता हमें कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है 10-15 लड़के, आज का जो नशा जो चल रहा है क्या पता हमें कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं आपके माध्यम से अपनी डीसी मैम से और अपनी एसोसिएशन से ये मांग करता हूं कि इस चुंगी को हटाया जाए, क्योंकि ये चुंगी हमें नहीं चाहिए। ये सारे जखैनी वाले आज डिसाइड कर बैठे हैं और ऐसा ना हो आज जो हमारे जो युवा लड़के थे सिर्फ वो ही बाहर आए थे, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, आज लॉकडाउन था। तो मंडे को हम अगर ये चुंगी इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम मंडे को हमारा पूरा जखैनी लेडीज जेंट्स बच्चे जो भी हैं सब हम नेशनल हाईवे में बैठेंगे। बहुत धन्यवाद किशोर जी। आपने देखा स्थानीय लोग अब इस चुंगी से इतने तंग हैं कि उनका कहना है कि जहां शाम को अज्ञात लोग बैठते हैं, पता नहीं किन कारणों से वो लोग यहां बैठते हैं, युवा क्यों बैठते हैं, और जहां से इन मोहल्ले की लड़कियों को माँ बेटियों को जहां से गुजरने में अब दिक्कतें आना शुरू हो गई है चुंगी की वजह से। और लोगों की ये मांग है कि अगर जल्द इस चुंगी को जहां से हटाया नहीं गया तो आने वाले दिनों में जहां के स्थानीय लोग कोई उग्र कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विश्व मगोत्रा के साथ नवीन शर्मा, जम्मू परिवर्तन न्यूज, उधमपुर।